चाय तो ससुर यहीं से स्टार्ट हो गई, हम तो दार्जिलिंग सोच रहे थे। अब मजे आ रहे हैं बाइक चलाने में। वो क्या सही व्यू है भाई, मजे आ गए। लुक एट दिस व्यू मैन, क्लाउड्स आर फ्लोइंग। जीशान भाई क्या कहें, शब्द नहीं है जीशान भाई के पास। हां मतलब मैं एकदम सच बता रहा हूं, स्पीचलेस हो गया। ओह ओह मैन, मैं वो ट्रेन की पटरियों में लगा दूं क्या उस तरफ भाई टॉय ट्रेन आ गई, टॉय ट्रेन, क्या बात है। लुक एट द वेदर यार, लुक एट द वेदर, कितना सही हो ये देखो। ऐसा इतना दार्जिलिंग शहर में नहीं दिखता। लुक एट द वेदर, क्या बढ़िया मौसम, ऐसा लग रहा है अभी थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो जाएगी। सारा सामान दिख रहा है अभी, ये GoPro यार मैं चार्जिंग में लगाना ही भूल गया था, तो अभी मैंने उसको लगा दिया है। राइडिंग गियर्स भी यहाँ से निकाल लिए हैं एंड बढ़िया सही कंडीशन में ही है। आज तो राइडिंग गियर्स पहन के ही चलाएंगे। राइडिंग गियर्स निकालते ही मेरे सैडल बैग बिल्कुल खाली से हो गए, उनमें कुछ रह ही नहीं गया है। मिसमैच मतलब मैच मिसमैच देखना पड़ेगा। चॉपर जैसी यहाँ तो बारिश सब कभी भी होता है। ये वाला और ये देखो ये रेन लाइनर है रिक्शे का, जैसे बारिश होती फटाक से रेन लाइनर लगा दो, मस्त है यार। टाइम हो गया है 8:33, 8 बजे निकलना ना, थोड़ा सा लेट है। तीनों भाई के बिल्कुल एकदम रेडी, जीशान भाई बिल्कुल चिकाचक, सीजे भाई थे बिल्कुल ऑल पैक्ड और हम भी ऑल पैक्ड। और बाइक की आवाज़ सुनाई दे रही है, वार्म अप कर लिया बाइक को। अब यहाँ से निकलते हैं दार्जिलिंग के लिए, और दार्जिलिंग में हम लोग उस रास्ते से जाएंगे जो ज़्यादा सीनिक है। बस यहाँ से निकलते हैं, होटल से चेकआउट कर लिया, होटल बढ़िया है। 3,000 रुपये होटल का चार्ज था फॉर वन नाइट फॉर 3 पीपल। अब चलते हैं, ऑलरेडी सर चलें यू। चलो भाई, चाय बजरंग बली, अब होती राइड स्टार्ट। सबसे ज़्यादा लेट मैं ही हो गया, सीजे भाई तो निकल भी लिए। ओ भाई एक्साइटमेंट, तो यहाँ से इस पॉइंट से होटल द लॉफ्ट होटल से हमारी ऑफिशियल जर्नी स्टार्ट होती है। लेट्स बिगिन। ओके भैया बाय बाय। चलो पहाड़ हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, या हम पहाड़ों का पीछा नहीं छोड़ते हैं। बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है यार सामने से, और मौसम इतना सही है ना यार सिलीगुड़ी का, मज़ेदार यार। तो दार्जिलिंग यहाँ से जिस रूट से हम जा रहे हैं उससे अराउंड 80 किलोमीटर्स एंड 3 घंटे अराउंड लगेंगे हमें पहुँचने में, तो पहुँच जाएंगे आराम से यार। और आज हमने सोचा है कि जहाँ अच्छी जगह दिखेगी वहाँ रुकेंगे, आपको बढ़िया व्यू दिखाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और नई जगह आने का भैया एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम भी पहली बार आए हैं बंगाल। मातीगारा कुर्सियोंग रोड ये जाएगी दार्जिलिंग। वो ऊपर माउंटेन्स यार सही दिख रहे हैं, ये लगता है मुझे पेट सेमिटरी था, ऐसे लटका देते हैं इसको। सही में ऐसा हैंग कर रखा है बिल्कुल, है ना। अचानक से हुआ क्या है कि भैया सिलीगुड़ी ख़त्म होते ही इतना ग्रीन पैच स्टार्ट हो गया है कि बिल्कुल अनबिलीवेबल जिसको बोलते हैं। और बहुत ही अलग टेरेन है, और सामने वो जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं वो पूरा पहाड़ों के ऊपर ना ग्रीन ग्रीन वाइट वाइट जो वो है क्लाउड्स पहाड़ों के ऊपर तैर रहे हैं यार, मज़े आने वाले हैं आज भाई, एक्साइटमेंट बढ़ चुका है। चाय तो ससुर यहीं से स्टार्ट हो गई, हम तो दार्जिलिंग सोच रहे थे। तभी तो हम इतनी पेल के पीते हैं। कमी कैसे पूरी है, हम इतना पेल के पीते हैं कि इनको पेल के उगानी पड़ती है। ना ये बात तो सही है यार, चाय तो भैया इंडिया की नेशनल ड्रिंक होनी चाहिए, है नहीं बट होनी चाहिए। और भाई सामने पहाड़ यार, सीजे भाई आज मजे आने वाले हैं लग रहा है ना, एक्साइटमेंट। क्यों जी सान भाई फन आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल मौत चल रही है भाई, मौज चल रही। जीशान भाई ने बोला तो उससे याद आया, मौज चलती रहनी चाहिए, मौज रहनी चाहिए। मैंने आपको ओवरटेक कर लिया। अरे लोग टी वो भी कर रहे हैं यार, प्लकिंग हो रही है, प्लकिंग कर रहे हैं। ओ मैन यार, ये सब टीवी में देखा करते थे।
रियलिटी में आ गया। भाई अपने रेन गार्ड्स पहन लेते हैं, अदरवाइज आगे हो जाएगी बहुत ही ज्यादा। भाई ऐसा जंगल और ग्रीनरी हमने आज तक तो बाइक नहीं चलाई थी सीरियसली। भीगना तो है ही यार। लो भाई एक तो रेन लाइनर लगा दिया, दूसरा रेन कवर, दूसरा भी लगा देते हैं। अभी तैयारी कर ली हमने, बारिश होगी तो हम रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओ मां, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड। चढ़ाई है भाई अच्छी, सही बोल रहे हो। अचानक से चढ़ाई स्टार्ट हो गई और रोड जो है वो गीली है भाई। और आगे से आ रही है गाड़ी, इट्स ऑल ट्विस्टीज, क्या बात है सर, ट्विस्टीज में घुमाएंगे ट्विस्ट करते हुए। ट्विस्टीज हम ढूंढ ही लेते हैं, कहीं भी जाएं, किसी भी राइड पे जाएं, है ना, कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। अचानक से बहुत तेज ट्विस्टी स्टार्ट हो गए हैं और बारिश भी स्टार्ट हो गई, मतलब मिस्ट हो रही है, नॉट हैवी रेनफॉल बट थोड़ा थोड़ा मिस्ट आ रहा है। एंड भाई मजे आ रहा है सीरियसली, हाँ मतलब वेदर बहुत ही प्लेजेंट हो गया है, बेहतरीन जिसको बोलते हैं, और क्या चाहिए लाइफ में। और दीप भाई अगर आप वाइजर खोल के चलाओगे ना तो नेक्स्ट लेवल मजा आएगा। लो खोल दिया सर जी आपने, बोल दिया तो। अरे यार ठंडी ठंडी वो गिर रही है पानी की, बहुत छार है क्या बोला था। और बाइक यार बहुत ही बढ़िया चल रही है, अफ्रीका ट्विन तो अच्छी चल ही रही है, हमारी हाइनेस भी बढ़िया चल रही है। अरे शीजु भाई काफी स्टीप है ये तो भाई, अब मजे आ रहे हैं बाइक चलाने में। वो वी आर अंडर द इंप्रेशन कि हम पहाड़ों में नहीं जा रहे नहीं ये इंप्रेशन तो मेरे अंदर कभी नहीं था। अपन राइड पे जाएंगे तो पहाड़ तो मिलेंगे। अरे भाई लुक एट द व्यू, सही लग रहा है पुशीज भाई, वो सामने खाली है, लुक एट द व्यू। यहाँ से आपको नज़ारे दिखाते हैं, ये देखो कितना सही लग रहा है यार। अब देखो दिख रहा है व्यू, ये देखो बहुत ही प्यारा व्यू भाई, गजब जिसको बोलते हैं। मेरे को लग रहा है आगे दार्जिलिंग में धमाल होने वाला है भाई, जो नज़ारे यहाँ से मिल रहे हैं ना, एंड दिस वेदर बेस्ट वेदर आई मस्ट से। क्या ट्विस्टीज भाई, हेयर पिन बेंड इतने खतरनाक है ना, आप पहले गियर के अलावा और कोई गियर लगा नहीं सकते हो। क्या वैसे जानवर होंगे है ना? अरे यहाँ तो बहुत जानवर होंगे इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इतना घना जंगल है, यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे फिर। हाँ सही में देख रहा हूँ आप, कुछ नहीं दिख रहा है आगे, मतलब पेड़ों और जंगल के अलावा। अब आप लोगों को एक फनी बात बताते हैं, मेरे को हल्की हल्की ठंड लगने लग गई है यहाँ तो। और दिख रहा है पहाड़ों में कहाँ का चाय के बगान है, चाय के वो सारे लगे हुए देखिए, कितने चाय के बगान है भाई, बेहतरीन सुंदर व्यू है यार, सुंदर क्या सही व्यू है भाई, मजे आ गए। चलो भाई दार्जिलिंग बड़ी सुंदर जगह है, जंगल है, आधा दोपहर है, टर्न्स पे हम लोग ही देख रहे हो, लंका लगी जा रही, लंका मैन, और क्या क्लाउड बह रहे हैं बिल्कुल यार। बकिंगम पैलेस, अच्छा यहीं से जाती है बकिंगम पैलेस की चाय। Look at this view, man. Clouds are flowing.
दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया भैया। ऐसा व्यू मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा यार, इससे पहले कभी नहीं देखा। And it's beautiful. अरे धीरे धीरे चलो। हाँ, हाले बिल्कुल हाले हाले, आओ आप आराम से। डीप एंगल क्या बढ़िया है रोड का। मस्त चढ़ाई है यार। अब यहाँ दार्जिलिंग आए और चाय ना पिए तो क्या किए फिर है? करके बैठ के भाग रहे थे। यहाँ के लोग रोज ये नजारे देखते हैं भाई। हमारा तो बहुत बुरा कट्टा हो रहा है दिल्ली में। ये देखो कोई छोटा सा टाउन है, ये बाइक यहाँ बहुत चलती है। यामाहा की R15 हमने देखी, और दूसरा एक्सपल्स, यहाँ के लोगों को एक्सपल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सामने वो जो सिटी है कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, देख रहे हो आप? ओ मैन योर जन्नत। तो इस सुंदर से टाउन का नाम है कोरसोंग, और ये बीच में आता है यार दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के। बड़ा मतलब बहुत छोटा नहीं है, बड़ा है ठीक ठीक, और बड़ा ही सुंदर है यार। और मौसम तो इतना सही है, पता नहीं ये मौसम अभी है या रोज ही ऐसा रहता है, ये तो पता नहीं। ये देखो मतलब जीसान भाई क्या कहें, शब्द नहीं है जीसान भाई के पास। मतलब मैं एकदम सच बता रहा हूँ, स्पीचलेस हो गया, निशब्द हो चुके हैं जीसान भाई यहाँ की ब्यूटी देख के। एंड सही में यार लोग बोलते थे कि दार्जिलिंग इज ब्यूटीफुल एंड इट इज एक्चुअली। देखो क्लाउड्स बह रहे हैं ऐसे फॉग की तरह, और इतना चिल वेदर है यार, मतलब परफेक्ट। हाइनेस का टायर मेरा कैसे पानी फेंक रहा है, पूरे टायर भीग रखे हैं, रोड थोड़ी स्लिपरी है यहाँ पे। जो रियलिटी में हम लोग अभी देख रहे हैं ना, मतलब इट फील्स लाइक कोई डरावनी मूवी चल रही है, अभी सामने से भूत आएगा। एंड रियली रियली ब्यूटीफुल यार, वेरी सीरियस वेरी। और ये सुबह के 10:15 ऐसा है। ये तो याद रहेगा भाई। अब रिस्क भी है यहाँ तेज चलाने में भाई, बाइक फिसल सकती है, बहुत ज्यादा पानी है रोड पे। आगे तक तो मैं पहुंचा ही नहीं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट में, मार्गरेट्स टेक। मैं वो ट्रेन की पटरियों में लगा दूं क्या उस तरफ? ट्रेन वाले आएंगे कहेंगे कौन भाई कौन था ये दिल्ली वाला हरियाणा वाला, कांड करने लग गए। ये है मार्गरेट्स डेक, और यहाँ आप हैंगिंग डेक पे बैठ के मस्त व्यू एंजॉय करते हो, खाते पीते हो। एंड लुक एट द व्यू, इट्स ऑसम। टॉय ट्रेन आ गई, टॉय ट्रेन क्या बात है, किस्मत और बड़ी छोटी है। ये तो दो डब्बों की है यार, इससे बड़ी तो हमारी मेट्रो है, कम से कम चार डब्बे तो होते हैं यहाँ पे। लुक एट द वेदर यार, लुक एट द वेदर कितना सही हो। ये देखो यहाँ पे एक भी टाउन है, पूरा क्लाउड आ गया है तो दिख ही नहीं रहे, क्लाउड ना ऊपर से बह बह के आ रहे हैं, पूरे यहाँ तक गिरते जा रहे हैं, तो दिख नहीं रहे, अभी दिखेंगे आपको, दिखना दिखाऊंगा मैं, टाइम लैप्स ही बनाया हमने। एनीवेज हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। यार यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट चलना तो पड़ेगा ही, बिल्कुल ऐसा लग रहा है यहीं बैठा रहे। बहुत ही बढ़िया जगह है यार ये मार्गरेट्स टेक, और मस्त हमने ब्रेकफास्ट किया, मस्त पास्ता खाया, ऑमलेट खाया, बेहतरीन। अब यहाँ से निकलते हैं दार्जिलिंग के लिए, और इतना एक्साइटमेंट है, इतना सुंदर है, मेरे को लग रहा है यहाँ ऐसा दार्जिलिंग कितना सुंदर होगा। तो आज भैया मज़े आने वाले हैं कुल मिला के। ट्रैफिक भी कुछ खास नहीं क्योंकि उतना हाई टूरिस्ट सीजन नहीं है ना, इस वजह से। अभी भाई अचानक से बारिश का माहौल बन गया, और साइड में देखो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना तेज फॉग आ गया।
के लोग अगर अपने घरों की खिड़कियां खोल देते होंगे ना तो अंदर फॉग घुस जाता है, अंदर बारिश हो जाती है। जैसे अगर आज पोछा लगाना, एक काम करो पानी का इंतजाम अभी करते हैं, रुको कपड़ा ले गया, मैं पानी मंगाता हूँ अंदर। दार्जिलिंग रह गया है यहाँ से 8 किलोमीटर दूर और रास्ता जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गया है अभी। ओए ओए ओए, और ये ट्रेन ट्रैक कम से कम 50 बार क्रॉस कर चुका है मैं, देखो फिर यहाँ गया यहाँ आया। और इस बार मैं भरी बारिश में गोप्रो चला रहा हूँ, पता नहीं कैसी रिकॉर्डिंग आएगी क्या आएगा, बट कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। यह नया मीडियम मोड आएगा अगर अगर पानी जो है चला गया तो। दीप भाई के पास है बहुत पैसा, दार्जिलिंग शहर में नहीं जितना नहीं नहीं क्या था, राइम बनानी पड़ेगी, पैसा सीजे भाई बताएंगे, बनाएंगे ना, सीजे भाई बनाएंगे, पैसा इतना दार्जिलिंग शहर में नहीं जितना पैसा इतना दार्जिलिंग शहर में नहीं जितना। सही है यार गुरु, सही है, शहर तो दिख ही नहीं रहा है इतना फॉग है। अरे ये स्टीम इंजन है क्या, सही लग रहा है? हाँ ये स्टीम इंजन है प्रॉपर चलता हुआ। यहाँ से हमने कट ले लिया दार्जिलिंग के लिए, पीछे ट्रेन भी है। अच्छा वो एक ट्रैक क्यों है, यहाँ पे स्टेशन पे दो दो ट्रैक है, किधर से निकल जाती होगी। ओह फाइनली हमारा होटल आ गया, होटल रमाडा यही है। तो भाई बहुत ठंडी थी, आते ही स्वेट शर्ट पहननी पड़ी, एक ही स्वेट शर्ट लेके आए थे वो भी निकाल ली हमने। और भाई क्या सोए, 1:30 बजे आ गए थे, मैं यहाँ सो गया, जीशान भाई यहाँ सो गए, सीजे भाई बाथटब में सो गए सबने अपनी नींद, तो एक्चुअली उन्होंने भाई डिस्टर्ब नहीं किया, देखो कितने अकोमोडेटिंग है सीजे भाई हम लोग सो रहे थे तो उन्होंने डिस्टर्ब ही नहीं किया हम लोगों को। बाकी बाहर का मौसम देखो यार, बहुत ही सही है दार्जिलिंग का, कुछ दिख ही नहीं रहा है सामने, ये मतलब पहाड़ वहाड़ होंगे कुछ, बट नॉट विजिबल। अभी चलते हैं नीचे मार्केट में, मस्त कुछ अच्छा अच्छा खाते हैं चल के, भूख लगी है, और उसके बाद आगे वापस फन करेंगे अपना। भाई मार्केट तो शानदार है दार्जिलिंग की, ये कौन सा क्रीम रोल है, मेरे को यही वाला चाहिए भाई नहीं वाला नहीं, मेरे को ये वाला जो भी, ये वाला। अचानक से देखो उधर बादल चले गए, खत्म हो गए, कितना सही दिखने लग गया, और अभी पूरा धुंध धुंध सी और बेहतरीन। एनीवेज हमने अपना लंच कर लिया है, मस्त मस्त सही खाया, अच्छा अच्छा गुड रेस्टोरेंट। जीशान भाई क्या ही ट्रिप स्टार्ट करवाई है आपने, गजब भैया गजब, बादल बह रहे हैं देख रहे हो, आज होटल में इनको अंदर लेंगे ठीक है ये देख रहे हो हम लोग कहाँ से टाइम लैप्स देख रहे हैं, आप यहाँ से टाइम लैप्स ले रहे हैं, मतलब ऐसा मत करना है, मतलब देख रहे हो 6:30 बजे सिर्फ सीजे भाई पहुँच पा रहे थे वहाँ तक, हम लोग के तो बस की बात नहीं है तो मेरी भी पड़ गई भाई, थोड़ा दूर चलो भाई, झेल नहीं पा रहे, फॉग बह के आ रहा है पूरा वहाँ से, रीढ़ की हड्डी तक ठंड चली गई मेरी, उस हड्डी में भी जाती है। ये घोड़े छुपे बैठे हैं, जल्दी चलो नहीं घोड़े लग जाएंगे, जिस रियल के घोड़े लग जाएंगे। यही ना चाय पिला दो भैया, चाय पिला दो, दो दिन से चाय नहीं पी, यहाँ पीते हैं मिल्क टी। अदरक 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 डालते हो, अदरक मीन्स अच्छा रेडीमेड तीन। ये देखो जीजान भाई और सीजे भाई बेकरी में आ गए, इन लोगों को इतना कुछ पता है ना, यही खड़े होकर मस्त खरीद रहे हैं, बंदे को यहाँ ऐसे आराम से बैठे कोई टेंशन, रेस्ट मारो चिल करो। भैया यहाँ हो गई मार भयंकर देख रहे हो अरे तेरी साले, अरे तेरी मतलब ऐसा मारूंगा साले गोल गोल घूम जाएगा, टर्बो खुल जाएंगे तेरे साले एक्चुअली यार खेल रहे हैं, दे आर नॉट फाइटिंग दे आर प्लेइंग। सीजे भाई अभी गए हैं उनको हैंडल करने, प्यार से समझाने की, लड़ाई नहीं करनी है अच्छे बच्चे लड़ाई नहीं करते, कितने हेल्दी और कितने वैसे हैं ना। तो भैया अपन है खतरों के खिलाड़ी देख रहे ठंडी भयंकर लेकिन गर्मी फिर भी अंदर
पहले मैं ठंड से बहुत डरता था, फिर मैंने सॉफ्टी खाई, उसके बाद अभी ठंड से मेरा कोई टेंशन नहीं है। वैसे हमने बैनाड्रिल ले ली है 12 साल वाली, तो वी विल हैव इट इन द रूम, तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है वो, सुबह शाम कोल्ड खत्म। बनिया जी जान भाई डालोगे कहाँ इसको? अरे हाँ ये होता है नए यूट्यूबरों के साथ ये दिक्कत हो रही है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप का कंफ्यूजन हो गया। सॉरी। ये देखो चर्च आपको दिख रहा है, ये ना हमारे होटल के सामने ही है, ये देखो होटल रमाडा और ये है चर्च, बड़ा फेमस चर्च है। अगर आपने बर्फी मूवी देखी हो तो बर्फी मूवी में ये चर्च दिखाया गया है। हम लोग यहाँ पे पेड़ा मूवी शूट करेंगे बर्फी के बाद, तो जलेबी कम से कम क्रीम रोल तो क्रीम रोल बनेगी भैया यहाँ पे। वो भाई रूम तो ऑलरेडी बहुत ठंडा हो रखा है, मौजा ही मौजा। अरे किसी का फोन आ रहा है क्या? ओ फुल फायर, क्या बात, चद्दर ओढ़ लो, इसको वो कर देता हूँ। थोड़ा कम करो भाई, थोड़ा कम करो। हाँ अरे यार व्हाट अ फन, ये देख रहा हूँ मीठा, देखो भाई साहब हमारा ये देखो, हमने बैनाड्रिल तो हमने निपटा दी है और उसको ये देखो क्रीम रोल खा रहे हैं, और ये लोग पता नहीं क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। बढ़िया रहा यार आज का दिन, दार्जिलिंग में फुल फन किए, और क्या रोड है और क्या वेदर है, जो आना चाहता है मतलब आई रिकमेंड कि आप एक बार सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग आओ यार। ये रख देता हूँ एक मिनट, रुकना व्लॉगिंग कर लूँ फिर खाते, तो आपको मजे आएंगे। मतलब इतना वेदर अच्छा है और ठंडा बिल्कुल, 20 डिग्री टेम्परेचर, थोड़े थोड़े बारिश हो रही थी, तो मतलब फुल एंजॉय करते हुए आपने देख ही लिया। कल चलेंगे सिक्किम के लिए, गैंगटॉक पहुंचेंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे बताएंगे कि और क्या करना है, और क्योंकि दार्जिलिंग में सच और तो कुछ है नहीं, मतलब सब ऐसा ही है जो आज देख लिया वही आसपास है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और बढ़िया है बाकी, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं फिर। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, एंजॉय।